थानाकटघर अंतर्गत देहरी मुस्तकीम में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पड़ोस में रह रही महिला राधा देवी, जो कि मकान मालिक है, वे सुबह जब उठी और अपनी दुकान खोलने के लिए चली तो उन्होंने देखा कि पड़ोस की दुकान से धुआं निकल रहा है। इसकी सूचना उन्होंने आसपास के लोगों को और दुकान स्वामी विशेष को दी, जो दुकान से कुछ दूरी पर रहते हैं। सूचना मिलने पर दुकान स्वामी मौके पर पहुंचे और दुकान खोली तो देखा उनकी दुकान पूरी तरह से खाक हो चुकी है, सब जलकर राख हो चुका था और सिलाई मशीन के साथ फर्नीचर भी जलकर खाक हो गया। क्षेत्रीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग है कि भड़कती ही जा रही थी, जिसके चलते दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। टेलर की दुकान में लगी आग के बारे में मकान स्वामी राधा देवी और दुकान स्वामी विशेष द्वारा बताया गया कि क्या नाम है आपका? आप विशेष जी, किस चीज की दुकान थी आपको? अच्छा, क्या हुआ था? उसके बाद में सुबह कुछ नमी 5:30 बजे करीब उसके दुकान में आपकी आग लगी हुई है और मोहल्ले वालों ने आगे देखा, चारों ने फटर वटर का ताला तोड़ा, फिर आग बुझाई, सब लोगों ने मिलकर सब कुछ आग हो गया। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 2.5 लाख रुपये से ऊपर ही हो सकता है। रात क्या बजे बंद करके गए? करीब 10 बजे रोज जैसे बंद करे जाते हैं। क्या मानते हैं किस वजह से आग लगी होगी? अचानक की बात है, ये तो कुछ पता नहीं किस वजह से लगी, अचानक लगी, किस प्रकार लगी है कुछ समझ में नहीं आ रही। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी क्या? नहीं, मोहल्ले वालों ने भेजा। हाँ, मोहल्ले वालों ने सबने मिलकर भेजा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा देवी है। हाँ राधा जी, कहाँ रहती हो? अच्छा, जब आग लगी थी तो कैसे पता चली आपको? मैं सुबह उठी, झाड़ू वाड़ू लगाई, कोई वो नहीं थी, मैंने अपनी दुकान खोली पड़ोस में, तो इनकी दुकान में मैंने धुआं निकलते हुए देखा। मैं भाग के, वो हमारे हस्बैंड मंदिर पे थे, 8 दिन है, उनको लाई बुला के, इनका धुआं निकल गया। वहाँ से 4-5 लोग आए, वो ताला वाला तोड़ने लगे, इसका धुआं निकलने लगा, और बस उठा कर इसमें पानी वानी डाल दिया, बस कपड़ों में इनमें सब आग लग गई। लगभग कितनी भयंकर आग थी? मतलब इनका इन्वर्टर उन्वर्टर जल रहा था, ये काउंटर वाउंटर जल रहा था, कपड़े लगते मतलब सब जल गए थे इनके, तो काफ़ी नुकसान हुआ। हाँ, इनका काफ़ी नुकसान हुआ, सारे को सब बहुत कपड़े पड़े थे इनके, बहुत ढेर लगा पड़ा था, कपड़ों को मशीनें सब खराब हो गई। सुबह लगभग क्या बजे की बात होगी? ऐसी 6:30 बजे की बात है, 5:30-5:30 बजे। जब आप आई तो उन्होंने शोर मचाया आपने? हाँ, मैंने शोर मचाया, सबको बुलाया, मैं भाग के बुला, कोई भी ना था मंदिर में लाई बुला। जी, जिनकी दुकान है वो कहाँ रहते हैं? वो थोड़े मंदिर दूर रहते हैं, मतलब दुकान से दूर रहते हैं, उनको फ़ोन करा हमने, बुलाया बेचारे, वो आए के बाद में तो हमने ताला वाला तो हो दिया था, पानी वानी डाला, तो सब लोग आए, सब लोग इकट्ठे हो गए, हमारे घर से दूर रहते हैं थोड़े दुकान से। मोहल्ले वालों ने आग बुझाई? हाँ, मोहल्ले वालों ने आग